गोमियों में अपहरण के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तेनुघाट भारत माता मंदिर से अपहृत छप्परगढ़ा निवासी धर्मेंद्र को दिन के 11 बजे अपहरण कर तेनुघाट 2 नंबर स्थित एक झोपड़ी नुमा रूम में रखा गया था। बताते चले कि छप्परगढ़ा निवासी जयलाल करमाली का पुत्र धर्मेंद्र प्रतिदिन अपनी मोटरसाइकिल से कोमिया डांस क्लास के लिए जाया करता था। दिनांक 16/11/2021 को दिन मंगलवार प्रतिदिन की भांति धर्मेंद्र डांस क्लास के लिए निकला। भारत माता मंदिर के पास 4 लोगों ने इशारा किया, जिसमें धर्मेंद्र का एक परिचित था। परिचित को देखते ही धर्मेंद्र मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल रुकते ही 4 लोगों ने उसे घेर कर मंदिर के नज़दीक बने झोपड़ी में ले गए। बताया जाता है कि उसके हाथ पर एवं मुंह को बांध दिया गया और वहीं से धर्मेंद्र के मोबाइल से उसके पिता जयलाल को फ़ोन लगाकर अपहरण फिरौती की मांग की गई। जयलाल को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, वह अपना काम निपटाने में लगा। निपटाने के बाद पुनः अपने पुत्र के मोबाइल नंबर पर फ़ोन लगाया, परंतु पुत्र का मोबाइल बंद आने लगा। जयलाल ने इसकी सूचना चौकी प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह को दी। प्रशांत सिंह ने अपने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी तथा सनहा दर्ज किया। ओपी प्रभारी के सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश चंद्र झा ने पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया और धर्मेंद्र के मोबाइल को सर्विलांस पर डाला तथा अपने गुप्तचरों को बताया। ऐसी भी एक गुप्तचर ने सूचना दी कि अपहरण को तेनुघाट 2 नंबर में ही रखा गया है। गुप्त सूचना पर चौकी प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह, अशोक कुमार पासवान, रंजीत सिंह, अहमद अली खान, राम प्रवेश राम, अरविंद सिंह को लेकर गुप्तचर द्वारा बताए गए स्थान को चारों ओर से घेर लिया गया और अपहृत धर्मेंद्र के साथ 4 लोगों को पकड़ा, जिसमें कार्तिक राम, संजय मरांडी उर्फ सिद्धार्थ, दीनू मरांडी, सूरज कुमार दास उर्फ छोटू कुमार उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद धर्मेंद्र को अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका उपचार किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पूछताछ के बाद यह बात सामने आई कि अपहृत धर्मेंद्र के पिता CCL से रिटायर किए थे और फिरौती के लिए धर्मेंद्र का अपहरण किया गया था। अपहरणकर्ता के निशानदेही पर धर्मेंद्र का मोटरसाइकिल, जो पार्ट पार्ट में अलग अलग रखा गया था, धर्मेंद्र का बैग, 3 मोबाइल, चाकू, सेलो टेप, रस्सी, लाल रंग का कपड़ा, 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। कल दिनांक 16 को तेनुघाट ओपी के छप्परगढ़ा से जयलाल कुमार करीब 5 बजे तेनुघाट ओपी पर आए और बताए कि एक मोबाइल से दिन में 2:30 बजे जब वो बैंक में थे, उनको फ़ोन आया कि उनके पुत्र का अपहरण कर लिया गया है और फिरौती नहीं देने पर उसे मार दिया जाएगा। चूँकि इनका पुत्र रेगुलरली गोमिया डांस सिखाने के लिए जाता था आता था, इसलिए उन्हें लगा कि किसी ने मजाक से ऐसा कह दिया है। इसके बाद फिर बैंक से निकलने के बाद इन्होंने 2-3-4 बार उसको ट्राई किया मोबाइल पर लगाने का, लेकिन मोबाइल जब बंद आया तो उनको संदेह हुआ। तब वो थाना पहुँचे और एक अपना प्रतिवेदन थाना प्रभारी को दे करके प्राथमिकी दर्ज कराया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी के द्वारा और अंचल निरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता के साथ मिल करके एक टेक्निकली उसकी जो है अन्वेषण किया गया और उसकी जानकारी ली गई। उस टेक्निकल जानकारी के आधार पर और जो यहाँ के गुप्त सूत्र हैं उससे मिली जानकारी के आधार पर रात में 9:30 बजे 2 नंबर तेनुघाट में कार्तिक डोम उर्फ कार्तिक राम के घर पर छापेमारी किया गया, जहाँ से अपहरित तथा 4 अपहरणकर्ता उनको अपहरण करने वाले, जिसमें कार्तिक राम, संजय मरांडी, सूरज कुमार दास और विकी कुमार को गिरफ्तार किया गया। ये जो अपहृत धर्मेंद्र कुमार है उसको मुंह में टेप लगा करके दोनों हाथ और पांव बांध करके एक बोरे के अंदर बंद करके उसको रखा गया था, जिसकी स्थिति काफ़ी नाजुक थी और तत्काल उसको मेडिकल की ज़रूरत थी, सहायता की ज़रूरत थी। उसको प्राथमिक उपचार के लिए वहीं सब डिविजनल हॉस्पिटल जो है भेजा गया और इन चारों अभियुक्तों को से इस घटना के संबंध में पूछताछ और आगे का अनुसंधान किया गया। अभी तक जो इन अभियुक्तों से मिली जानकारी के अनुसार, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार, इसका जो प्लान जो था वो मुख्य रूप से कार्तिक राम
जो एक पुराना एक क्रिमिनल भी रहा है और कई हत्या सहित कई तरह के मुकदमे में भी ये आरोपित रहा है। इसके द्वारा जो है एक